नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील दत्त बिल्लोरे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सोयाबीन में संतुलित पोषण प्रबंधन के बारे में। किसी भी फसल का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए संतुलित पोषण प्रबंध बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए जो भी अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा होती है उनका प्रयोग करना बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं आर्थिक लाभ देने लायक होता है। इसलिए सोयाबीन की फसल में जो संतुलित मात्रा की पोषक तत्वों की मात्रा अनुशंसा की जाती है वो है 25 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर, 40 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर की मात्रा देना अत्यंत ही आवश्यक है। यह एक तिलहनी फसल है इसलिए इसमें सल्फर या गंधक देना बहुत ही आवश्यक है। तो इन पोषक तत्वों के लिए किस खाद से ये दिया जा सकता है उनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। इनको हम सीधे उर्वरक जैसे यूरिया, सुपरफास्फेट, म्यूरेटा पोटास से भी दे सकते हैं। तो इसमें यूरिया करीब करीब 55-56 किलो की मात्रा लगती है प्रति हेक्टेयर में और 375 किलोग्राम सुपरफास्फेट लगता है और 67 किलोग्राम पोटास की म्यूरेटा पोटास की आवश्यकता होती है और 25 किलोग्राम जो बाज़ार में बेंटोनाइट सल्फर के नाम से उपलब्ध है उसकी मात्रा ली जा सकती है और यह मात्रा संपूर्ण हो जाती है। जब हम सुपरफास्फेट का उपयोग करते हैं तो हमको अलग से गंधक देने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि हम DAP का या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो उसमें हमको सल्फर अलग से देने की आवश्यकता होती है। तो यदि हम DAP उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें 130 किलोग्राम DAP प्लस 67 किलोग्राम पोटास, म्यूरेटा पोटास एवं 25 किलो बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग करें तो यह मात्रा संतुलित हो जाती है। यदि आप इसको इफको 12-32-16 से देना चाहते हैं तो इसमें 200 किलोग्राम 12-32-16 की आवश्यकता होगी और इसको गंधक अलग से देना होगा, क्योंकि इन दोनों DAP और 12-32-16 में गंधक की मात्रा नहीं होती है तो हमें 25 किलोग्राम सल्फर अलग से देना होगा। तो इस तरह से हम पोषण प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, सोयाबीन में जब ये सभी उर्वरक सोयाबीन की बोनी के समय दिया जाना चाहिए, सोयाबीन की खड़ी फसल में कोई भी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है तो इसमें खड़ी फसल में कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, और यदि उपलब्ध होता है आपके पास में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कोई से भी जैविक खाद उपलब्ध हो तो उनका उपयोग अवश्य रूप से करें, जिससे कि हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहे और हम उस मृदा से हम अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।